अब आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। मानसून में आसमान से हो रही बारिश सियासत का रंग ले चुकी है। पानी लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाए तो फिर इस पानी में आग लगाने के लिए नेताओं की पूरी फौज तैयार रहती है। जरा सोचिए, जब देश की सबसे वीवीआईपी इमारतें बेहाल है तो गलियों और आम लोगों के घरों में सैलाब से निपटने की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कल यूपी सदन के बेसमेंट में पानी घुस गया तो वहीं आज संसद की छत से बूंदे टपकने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर बारिश के आगे देश का सिस्टम हर साल सरेंडर क्यों कर देता है? आखिर इसके अच्छे से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? सिर्फ दावे क्यों किए जाते हैं जो चंद घंटे की बारिश में खोखले साबित हो जाते हैं? बारिश के मौसम में बरसात हो ये लाजमी है, मगर देश की राजधानी डूबने लगे ये लाजमी नहीं है। कहीं दिल्ली के रिहायशी इलाके के तहखाने में बाढ़ का पानी भर जाए, जर्जर इमारत धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए, इंतजामिया की नजरअंदाजी में ये भी लाजमी हो सकता है। मगर संसद भवन की छत टपकने लगे ये लाजमी नहीं है। अब आसमान से बरसती बूंदों के बहाने सत्ता की नीति, नियत और नतीजों में लीकेज का सवाल उठने लगा है। ये एक लीक सरकार बन गई है। देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला तो एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि 1200 करोड़ रुपए की चट्टानी मजबूती को भेद कर बारिश की चंद बूंदे संसद भवन में घुसपैठ कर रही हैं। लेकिन फिर नाजरीन की निगाहें फर्श की खूबसूरत चित्रकारियों, चमकती दीवारों की नक्काशियों पर जाती हैं और लौटकर नीले रंग की उस बड़ी से बाल्टी पर ठहर जाती हैं जो आसमान से बूंदों की शक्ल में टपकते सवालों को तय दायरे में समेट कर जब्त करती जाती है। और तब दिमाग ये तस्दीक कर लेता है कि हाँ, ये बुलंद इमारत वही है, हमारा संसद भवन ही है, पुराना नहीं, नया वाला ही है। और फिर शुरू होती है नेताओं के आचार, हुकूमत के भ्रष्टाचार और सियासत के शिष्टाचार की घुड़दौड़। 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे? ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अकेले संसद भवन ही क्यों, यूपी विधानसभा की तस्वीरें देखिए। सारी सुरक्षाओं को काट कर पहुंचा है पानी, और ऐसा पहुंचा है कि बाबू लोग फाइलों को किनारे रखकर पानी निकालने में लग गए हैं। इसी लखनऊ में नगर निगम का दफ्तर भी देख लीजिए, तैर रहा है। खानों का डूब जाना तो खैर आम है, मगर खास लोगों के दफ्तर जब पानी पानी हो जाएं, तब लगता है कि गजब बेदर्दी मौसम है, नीति नियंताओं का पानी उतार के रख देता है। आज तक ब्यूरो।